तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। और आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्नाइपर में जो डॉट नहीं होता, यानी हर एक गन में आपको डॉट मिल जाता है, तो उस डॉट से आप एम लेके मार सकते हो, लेकिन स्नाइपर में कोई भी स्नाइपर में डॉट नहीं होता। ड्रैगनों छोड़कर कार98 AWM इस तरह के स्नाइपर में डॉट नहीं होता। तो मैं आज के वीडियो में आपको वो डॉट कैसे लाते हैं ये मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले आइकन को भी दबा दो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ट्रिक को शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना पड़ेगा। तो मैंने अभी दो स्नाइपर्स बाय कर लिए हैं, उसे ग्रिप साइलेंसर वगैरह जो भी है वो लगा दिया है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपने सेटिंग्स ओपन करने हैं, उसके बाद आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन कंट्रोल्स ओपन करना है, देन आपको कस्टम हब के ऊपर क्लिक करना है। आपको ऊपर दो ऑप्शंस दिख जाएंगे, वो दो इमोट वाले जो सेक्शन है उसमें से एक है हमारे कैरेक्टर का इमोट और दो सेकंड है हमारे किसी पेट का इमोट। तो जो भी इमोट आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते या फिर यूज़ करते भी हो तो कोई नहीं, लेकिन आपको जो भी लेना हो वो आपको वहाँ से ड्रैग करना है और ड्रैग करके आपको भी बिल्कुल सेंटर में लेके रखना है। और उसके बाद आपको उसकी साइज़ वगैरह एडजस्ट वगैरह कर देना है। मैं कहता हूँ साइज़ को थोड़ा कम रखो। तो गाइस, अब आप लोग देख सकते हो आपके स्नाइपर में जो है डॉट आ चुका है। तो आप उस डॉट को अपने हिसाब से किसी भी टाइप से एडजस्ट कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। तो यही आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हमारे हर एक ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मिलते किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। We're